हाय ट्रेन मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के साथ केक। बहुत टेस्टी बनने वाला है हमारा चॉकलेट केक, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम सूजी का केक बनाने जा रहे हैं, तो मैंने एक कप सूजी ली है। मैं सूजी को इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम थोड़ा सा बारीक पीस लेंगे। तो मैं इसको पीस कर लाती हूँ। देख सकते हैं कि हमारी सूजी बारीक हो गई है, तो इसको हम बर्तन में डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। मैंने 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको हम डाल देंगे और हमें इक्वल क्वांटिटी में डालना है। जितना हमने तेल डाला है उतना ही हमें दही लेना है और उतना ही हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। और 1/3 कप ही हमने इसमें दूध भी ऐड किया है। तो आज दूध ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कोको पाउडर डालूंगी। हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, कोकोआ पाउडर, और आप इसको चॉकलेट पाउडर के रूप में भी डाल सकते हैं। तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। और डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूंगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप मत डालिए, क्योंकि ये परफेक्ट है। क्योंकि हमने चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसके लिए कोको पाउडर ही बहुत है। इसमें आप वनीला एसेंस नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जितना मैंने दही डाला था, जितना मैंने इसके अंदर दूध डाला था, उतना ही मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं और बिना पीसे भी डाल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 टेबल स्पून चीनी और डाल दीजिए। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा दूध मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बैटर थोड़ा गाढ़ा है। तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर यूज करते हुए इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लीजिए। हमारा बैटर परफेक्ट रेडी हुआ है, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि ये सूजी है, आप देख सकते हैं दानेदार दिख रहा है ये। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए, रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और हमारा बैटर अगर हल्का सा भी गाढ़ा है तो उसमें हम हल्का सा दूध ऐड कर देंगे। बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फूला हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत गाढ़ा हो गया है और हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा हो गया है। इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दो चम्मच इसके अंदर दूध डाल देंगे, उससे ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है, ये एकदम ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और नमक को मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक बेसन डाल दिया है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर इसको प्रीहीटेड होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कुकर को प्रीहीटेड होने के लिए रख दिया है। गैस को मैं स्लो से मीडियम के बीच में रखूंगी। मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ तो मैंने इसको भी स्लो से मीडियम के बीच में रखा है। और अब मैं अपने बर्तन में ये जिसमें मैंने ये बनाया है बैटर, इसके अंदर मैं ये इनो सॉल्ट डाल दूंगी। एक पूरा इनो सॉल्ट पड़ेगा इसके अंदर। और डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया है। अब हमें इसे मिक्स कर देना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको हटा दूंगी और इसको जिसमें बेक करना है उस बर्तन में हम इसको ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा टैप कर देंगे और थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे, ताकि इसकी हवा निकल जाए। उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए कुकर में डाल देंगे, कुकर के लिड से ढक देंगे।
कुकर के ढक्कन से हम इसको ढक देंगे अच्छी तरह से, और इसको गैस को एकदम स्लो पे कर देंगे, इंडक्शन को भी। तो अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे। हमारा केक बेक हो चुका है और मैंने इसको चेक किया था, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो हमारा केक बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा सूजी केक कितना अच्छा बना है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमारा केक बहुत अच्छा बना है और ये अभी बहुत गर्म है, तो हम इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। हमने केक को निकाल लिया है और अब हम इसके ये पेपर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा केक बना है हमारा सूजी का, बहुत सॉफ्ट भी है ये, आप देख सकते हैं बहुत फ्लफी है। इसका पूरा पेपर निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम फ्लफी बना है हमारा केक। अब हम इसको 3 लेयर में काट लेंगे। हमने 3 लेयर किया है, एक लेयर ये है और दो मैं निकाल के दिखाती हूँ। इसको काट लिया है हमने, ये देखिए ये हो गया दो और ये तीसरा लेयर। तो चलिए हम तीनों में आइसिंग करते हैं। आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत अच्छा बना है, तो हम इसको निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए ये है, इसका यूज़ करेंगे इसको उठाने के लिए, और दूसरे चीज़ से उठाएंगे तो टूट सकता है। तो अब हम इसके नीचे थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। क्रीम लगाने के बाद इसको हम रख देंगे। अब इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर बैटर रख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं हमारी क्रीम कितनी अच्छी से फूली हुई है। और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये थोड़ी ठंडी भी हो गई अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे, मोटी लेयर में आप इसको फैलाइए। क्रीम एक बार बार लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, इससे हमारा केक टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हम सारे लेयर लगा लेंगे। आप देख सकते हैं तीनों लेयर बहुत अच्छी तरह से लग गई है। अब हम इसके ऊपर इसके साइड में भी हम क्रीम लगाएंगे, साइड में भी। आपको क्रीम अगर आइसिंग के लिए तुरंत यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें जमना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे तरह से आइसिंग हो गई है इसकी, इस साइड से भी ऊपर से भी। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, ताकि हम आइसिंग बाकी इसकी डेकोरेशन करें तो हमारी केक ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है, लेकिन गर्मी है इसलिए पिघल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं तो नीचे बर्फ़ ले लीजिए और ये लगातार रखिए रहिए, नहीं तो ये पिघल जाएगा बहुत जल्दी क्रीम। और हाथ से टच से दूर रखिए, क्योंकि हाथ में हमारी गर्मी होती है। और मैंने दो नोज़ल में मैंने ये वाइट क्रीम भरी है, और एक में अब मैं ग्रीन डालने वाली हूँ। तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है, हम देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा रहता है ग्रीन, ये देखिए ब्राइट ग्रीन। अब मैं इसको इसमें से ज़रा सा लेंगे, ये देखिए सिर्फ इतना, और इसके अंदर डाल देंगे। अब हम ढक्कन को बंद कर लेते हैं, बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहते हैं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसको एक बार, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। अगर आप चाहते हैं कि और डार्क हो जाए हमारा ग्रीन कलर, तो आप इसमें थोड़ा सा और ग्रीन कलर ऐड कर लीजिए। कलर एकदम आराम से मिलाइए और ज़्यादा मिक्स मत कीजिए इसको, नहीं तो ये पिघल जाएगा, क्योंकि कलर डालने से हमारी क्रीम व्हिपिंग क्रीम पिघल जाती है। तो अब हम इसको नोज़ल में भर लेंगे। आप देख सकते हैं पत्ती वाला नोज़ल है यूज़ कर रही हूँ मैं, मेरे हाथ में ग्रीन कलर लगा है, वही फूड ग्रीन कलर लगा है, बहुत जल्दी लग जाता है हाथों में। बस इस तरह से गिलास में आप डाल दीजिए आप इसको, किसी भी कांच की स्टील की किसी भी गिलास में ले सकते हैं, और इसके अंदर हम अपनी क्रीम को डाल देंगे।
ये सब प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसलिए आराम से कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिघल जा रहा है। या तो आप एसी ऑन करके कीजिए। अभी इसको धीरे धीरे ऊपर कर लीजिए, बस। अब आप देखिए, मैंने नोज़ल लगाया था पत्ती वाला, अब मैं इसको क्रीम को अगर आगे करेंगे तो ये आराम से नोज़ल से बाहर आ जाता है। बस इसी तरह से हम पत्ती बनाते जाएंगे। मैंने गैप क्यों किया है, क्योंकि मैं इसके बीच में भी बनाने वाली हूँ। अब हम लिप्स बनाएंगे। हम बहुत आराम से लिप्स बन जाती हैं। आप इसी तरह बाहर की तरफ भी बना सकते हैं। बहुत आसान है लिप्स बनाना, बहुत ध्यान से हमें बनाना पड़ता है। बस इसी तरह हम अंदर की तरफ भी बनाएंगे। छोटा बड़ा हर तरह से लिप्स बन सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, मैंने इसको पिंक वाला बहुत ज़्यादा पिघल रहा था इसकी वजह से, नहीं तो मैं इसमें बीच में पिंक डालने वाली थी, तो इसलिए अगर लास्ट मोमेंट में आप चाहें तो आइडिया चेंज कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आखिर वाइट भी तो हमारे रोज फूल ही है। बहुत सिंपल तरीके से आप बहुत अच्छा केक बना के रेडी कर सकते हैं। आपको ये रोज के बीच में सिल्वर बॉल डालने हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से व्हाइट क्रीम डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारा केक रेडी हो गया है। और ये मैंने एक, ये हमने लॉटरी चौकी पाई बिस्किट ली है, जिसके ऊपर हमने BFF लिखा है, बेस्ट फ्रेंड। और ये बहुत सुंदर केक बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा केक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।